देश में नफरत आरएसएस फैला रही है, भाजपा शासित राज्यों में बहुत ही ज्यादा इस तरह की चीजें सुनने को आ रही हैं, देखने को आ रही हैं और आम आदमी इसको भली भांति समझ रहा है। तमाम तरह के नारे दिए जाते हैं, निश्चित रूप से एक विचारधारा के लोग इस तरीके की देश में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, और जो समाज में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, तमाम काले कानून जो पीछे पारित किए गए हैं उसके बाबत चर्चा परिचर्चा बहुत मजबूती से हो। जो लोग अब तक भाषण देते रहे हैं उनको एक बार दो बार तीन बार देखने के बाद अब समझ जाना चाहिए कि ये लोग हमें बहका रहे हैं, लूट रहे हैं या वास्तविक तौर पर हमें कुछ देना भी चाहते हैं या नहीं। निश्चित रूप से जातियों का नाश होना चाहिए, सभ्य समाज में जाति का कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से चुनाव होता है उस समय आप एक तक बात कर रहे हैं जो है हिंदू मुस्लिम होता है, तो उसमें तो बढ़ जाता है ना लोग। देखिए, हमने लगभग 104 पार्टियों को जो राहुल ने एक मैसेज दिया पूरे देश में यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, हमने उस मुद्दे को समर्थन दिया। हम किसी पार्टी की गुलामी के लिए कभी किसी का लिपापोती नहीं करते। एक व्यक्ति हमारी बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है और वो समानता सिमिलरिटी की बात कर रहा है, तो अगर हम साथ नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते ही नहीं कि समानता हो। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में अलग से जाति जनगणना हो गया, बिहार में नीतीश कुमार ने करवा दिया, अब झारखंड में होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो दावा कर रही है जातीय जनगणना करवाने की, उसकी कई राज्यों में सरकार है, बावजूद वो नहीं करवा रही, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो सिर्फ जातीय जनगणना की बात करके ठगने का काम कर रही है? देखिए, अभी अभी नजदीकी चुनाव हुए हैं, इमीडिएटली लगभग मैक्सिमम स्टेटों में बीजेपी के और उसके अलायंस पार्टनर की सरकार है, कांग्रेस की दो तीन जगह सरकार है, बाकी तो सभी जगह अलायंस पार्टनर एनडीए की सरकारें हैं। और नीतीश ने ही ये मुद्दा उठाया था और नीतीश ही भाग गए अपने मुद्दे से, लेकिन ये कन्फर्म है कि हर चीज़ को वक्त लगता है। अभी अभी दो चार दिन से चुनाव क्लोज हुए हैं और विधानसभाओं के चुनाव नज़दीक हैं, तो जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर कराने के लिए वचनबद्ध हैं और हमें भरोसा भी है। तो 5 साल के लिए क्या लगता है जनगणना की जो ये बातें की जा रही है वो बंद हो जाएगी? मेरी आप सब चैनल वालों के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती है, सामाजिक न्याय समरसता की बात, भाईचारे की बात तभी अच्छी लगेगी अगर हर व्यक्ति का हिस्सा, हर जाति का हिस्सा, हर वर्ग का हिस्सा उन लोगों तक पहुंचे। जो लोग अब तक भाषण देते रहे हैं उनको एक बार दो बार तीन बार देखने के बाद अब समझ जाना चाहिए कि ये लोग हमें बहका रहे हैं, लूट रहे हैं या वास्तविक तौर पर हमें कुछ देना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव जो है बेहद करीब है, हरियाणा में होने वाले, हरियाणा में आपने काफी छाप छोड़ी है, क्या कुछ तैयारियां शुरू कर ली आपने? देखिए, हमारा हरियाणा के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर चुनाव है। आज भी मैंने यही प्रस्ताव रखा कि कितने लोग जानते हैं कि हम अपने बलबूते एक नेता, एक MLA, एक विधायक को चुन करके सरकार में अपनी आवाज बना करके भेजे हैं। अगर गुलामी के तहत हम MP और MLA बना करके भेजते हैं, वो लोग जाकर के मूक दर्शक बन जाते हैं और वहाँ जाकर के आपकी आवाज उठाने में कमजोर पड़ जाते हैं। आप अपने बलबूते अपने विधायक बना के भेजिए। घटना बहुत ही दर्दनाक रही है और जो अपराध किया गया है बहुत ही गंभीर अपराध है। पुलिस प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रही है और कुछ राजनीतिक दलों के नेता और समाजसेवी भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। देश में अब तो सपा जो है मजबूती से खड़ी है, क्या वजह है? बावजूद इसके ये एट्रोसिटीज को रोक पाने में आप लोग असमर्थ हैं या क्या वजह हो सकती है, जरा बताइए। अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है कि बहुमत और प्रचंड जीत के साथ वो आई है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर नीतियाँ बन रही हैं और प्रत्येक विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस तरह की नीतियाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि सभी समाज के लोगों को और ख़ास करके PDA के लोगों को, जो हक वंचित लोग हैं, उनके लिए नई आशा की किरण बन सके। क्या
बनारस के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी पे जूता फेंका जाता है उनकी गाड़ी पे, आपने देखा होगा सुना भी होगा, वायरल एक वीडियो हो रहा है, जो है कोई भी नेशनल मीडिया उस बात को नहीं उठा रहा, उस पर क्या कहेंगे? मीडिया किनके द्वारा संचालित की जा रही है, यह बार बार आप ही लोगों की तरफ से गोदी मीडिया आ रही है, तो जब गोदी मीडिया की अगर बात हो रही है तो फिर वो मीडिया क्यों दिखलाएगी? अगर यही काम दूसरे राज्यों में हो जाता है जहाँ पे एनडीए की सरकार है, तो अब तक तो वहाँ के लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी कहकर हाँ तमाम तरह के नारे दिए जाते हैं। निश्चित रूप से एक विचारधारा के लोग इस तरीके की देश में शांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी देश में क्यों बढ़ रही है, सवाल सही नीतियों का नहीं कारण होना ही मुख्य नीति है, और ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, इसको आम नागरिकों से या बेरोजगारों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षा की पद्धति ऐसे बनाई जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा नवयुवक हमारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। सोमवार से सत्र शुरू होने जा रहे हैं लोकसभा के, ऐसे में जो है तमाम जो सपा के सांसद जो अब बड़ी संख्या में आए हैं सदन में, उनका क्या पहला ऐसा मुद्दा होगा सत्र में जाते ही, शुरुआती दौर में ही कौन से ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिस पर बात की जाएगी? मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई तो है ही, और जो समाज में जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, तमाम काले कानून जो पीछे पारित किए गए हैं, उसके बाबत चर्चा परिचर्चा बहुत मजबूती से होगी। जी सभी को पता है कि देश में नफरत आरएसएस फैला रही है, भाजपा शासित राज्यों में बहुत ही ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सुनने को आ रही हैं, देखने को आ रही हैं, और आम आदमी इसको भली भांति समझ रहा है, और इसी की वजह से 2024 में परिणाम जो आए हैं समाज जो हमारा है, एक तरफ हम लोग चांद के ऊपर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ नफरतवादी लोग इस मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र में 2024 में बहुत हद तक आम नागरिकों ने प्रयास किया है इनको हटाने की, इसीलिए इनकी संख्या बल कम आई है, और आने वाले समय में कुछ हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट्स आए। सर प्रधानमंत्री जी सदन में थे लोकसभा, जहाँ पर संविधान को उन्होंने छीन लिया, शीश नवाया है, मतलब संविधान के रक्षक हुए ना। भारत के संविधान की यही खूबसूरती है कि जो उससे नफरत करता है उसकी भी रक्षा करता है वो, लेकिन कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर भारत के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया रहता तो 75 वर्षों में आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है वो इस तरह के प्रोग्राम करने की शायद नौबत नहीं आई। सर नगीना से आप चुनाव लड़े, कहाँ चुक रह गई जो आपको कामयाबी नहीं मिली? जनता ने प्यार बहुत दिया लेकिन परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाया है। जनता के लिए, जनता के बीच में रहेंगे 5 साल नगीना लोकसभा में? आप 5 साल नहीं, आजीवन रहना है। सर जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जातिवाद को भूलने की बात की गई है, इसके बाबत बाबा साहब बहुत पहले कह चुके हैं, माननीय कांशीराम कह चुके हैं, पूरी बहुजन लिटरेचर जाति के नाश की बात करती है, और 75 सालों भारत के संविधान को लागू हुए हो चुका है, हम लोगों के भारत में संविधान को लागू हुए करीब 75 वर्ष होने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जातियों का नाश होना चाहिए, सभ्य समाज में जाति का कोई स्थान नहीं है।